दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा अगर एग्जाम में जीएसटी के एग्जेम्पशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो कौन सा केस लेना है। स्टेट विद रीजन वेदर जीएसटी इज पेबल इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एज अ सिलेक्टर ऑफ नेशनल टीम, ये हो जाएगा टैक्सेबल। वर्ड क्या यूज किया है, सिलेक्टर। अंपायर, प्लेयर, रेफरी, कोच, टीम मैनेजर इन एग्जेम्प्ट है। फिर आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन मीटर कैप थ्रू ईसीओ। ओहो, अगर ये यहाँ पे सिर्फ इधर तक रुक गया रहता तो एग्जाम हो जाता, बट ये आगे की लाइन में इसको क्या कर दिया, टैक्स। चलो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। सबसे पहला, एज पर सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्लेयर, कोच, टीम मैनेजर, रेफरी, फिर क्या आता है, अंपायर, टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी क्या रहेगा, इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, दूसरा, इन दिस केस सर्विसेस आर प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय सिलेक्टर्स, है ना। फिगर, सिंस सिलेक्टर्स आर नॉट कवर्ड अंडर एग्जेम्प्शन, कॉमा, their services shall be taxable. Clear सबको पहला वाला आंसर। दूसरा लिखेंगे हम लोग मीटर कैप वाला सेकेंड आंसर। चलो लिखते हैं, as per section 11 of CGST Act, comma, transportation of passengers in meter cab are exempt from GST, but if meter cab services are provided by electronic commerce operator, जिसको अपन अभी से क्या बोलेंगे, ECO, such services are not exempt from GST. मतलब that is they are taxable. Hence in given case the services are provided by ECO, hence they are taxable. इधर पहला वाला hence आता था आप लोग, इधर क्या लिखने को सिर्फ in given case। क्लियर है सबको? देखो एक क्वेश्चन दो मार्क्स को कैरी कर रहा था, आप लोगों ने प्रोविजन को भी लिख दिया, फैक्ट को भी लिख दिया, कंक्लूजन को भी लिख दिया, सिर्फ ऊपर हेडिंग लिख दिया, बाकी आपका आंसर उसी फॉर्मेट में आ चुका है। क्लियर है सबको? अगर एग्जेम्पशन के ऊपर क्वेश्चन आया तो ठीक है बच्चा। चलो ओके, मिलेंगे अगली वीडियो में कोई और आंसर के साथ।